हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केक शॉर्ट्स। तो आज हम बनाने वाले हैं हाफ के जी का मैंगो केक। यहाँ पे मैंने डाबर्स का 150 ग्राम वेनिला प्रीमिक्स लिया है। इसमें वाटर ऐड कर लेंगे, उसके बाद 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे, 1/4 TSP मैंगो इसेंस और येलो कलर डालकर बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, बैटर को और मिक्स नहीं करना है, कलर डालना ऑप्शनल है, बट इससे स्पॉन्ज को अच्छा कलर आता है। यहाँ पे मैंने चेंज के टिन में बटर पेपर डालकर उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। बैटर को टिन में पोर कर लेंगे, अच्छे से टैप कर लेंगे। कढ़ाई को 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट करने के लिए रखा था। 10 मिनट के बाद टिन को कढ़ाई में रख देंगे और लो स्पीड पर 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। 35 मिनट्स हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। टूथपिक क्लियर आई है, इसका मतलब हमारा केक बेक हुआ है। चलिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम क्रीम बीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 240 ग्राम ट्रोपोलाइट की क्रीम ली है। क्रीम आपको ठंडी और लिक्विड फॉर्म में लेनी है। क्रीम को स्टिपिक्स आने तक बीट कर लेंगे। स्पैचुला पर क्रीम लेके चेक करेंगे, हमारी क्रीम नीचे नहीं गिर रही है, इसका मतलब हमारी क्रीम अच्छे से बीट हुई है। अब एक केक बोर्ड पर क्रीम लगा लेंगे ताकि केक हिले ना। स्पॉन्ज को हमने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर रखेंगे और शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे। आप नॉर्मल वाटर से भी सोक कर सकते हैं। क्रीम को अच्छे से फैला लेंगे, उस पर मैंगो क्रश डाल देंगे। सेकंड लेयर रखेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट कर लेंगे। केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रखेंगे ताकि फाइनल फिनिशिंग करते समय क्रम्स क्रीम में ना आए। केक की अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे और जिगजैग स्क्रैपर से साइड में डिज़ाइन बना लेंगे। ऊपर का सरफेस भी प्लेन कर लेंगे। केक को फ्रिज में रख देते हैं अच्छे से सेट होने के लिए। तब तक हम ऑरेंज ग्लेज बनाते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल जेल लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज और येलो कलर डालकर मिक्स कर लेंगे। पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। पाइपिंग बैग में जेल भरकर केक का ऊपर का सरफेस कवर कर लेंगे और साइड से ड्रिपिंग भी कर लेंगे। क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया है। स्मॉल स्टार नोजल से केक पर डिज़ाइन बना लेंगे। और चेरीज भी रखेंगे। चलिए तब तक चॉकलेट गार्निश बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मोर्डे का वाइट और डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, OHP शीट भी ली है। दोनों चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। वाइट चॉकलेट से जिगजैग पैटर्न वाली डिज़ाइन बना लेंगे। मैं यहाँ स्पून से कर रही हूँ, आप पाइपिंग बैग में भरकर भी कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट सूखने के बाद डार्क चॉकलेट डाल देंगे और स्प्रेड कर लेंगे। चॉकलेट सेमी सेट होने के बाद स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे और नोजल से सेंटर में राउंड बना लेंगे। सेट होने के लिए फ्रिज में रखते हैं, तब तक दूसरे गार्निश बना लेते हैं, सेम प्रोसेस कर लेंगे। चॉकलेट सेमी सेट होने पर छोटे ग्लास से राउंड बना लेंगे, सेंटर में भी राउंड बना लेंगे। सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए यह अपने आप ही निकल रहे हैं। कितने अच्छे से गार्निश बन के रेडी हो चुके हैं। चलिए राउंड वाले भी देख लेते हैं। देखिए ये भी अच्छे से निकल रहे हैं। इस गार्निश को हम केक के साइड पर लगा लेंगे। और स्मॉल स्टार नोजल से बॉर्डर भी बना लेंगे। राउंड वाले गार्निश ऊपर रख लेंगे। तो ये हमारा केक रेडी हो चुका है। आपको ये केक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।